पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे सीएसजीएमयू का 2017 का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसके विषय में, है ना। तो एक बार मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लोग पीजी पॉइंट सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे, या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे भी पीजी पॉइंट के नाम से फॉलो कर सकते हैं, या आप प्ले स्टोर से ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ पर आपको यूपी बीएड का सारा कंटेंट मिल जाएगा। इवन जो आपकी स्पेसिफिक मैराथन क्लास हुई है वो क्वेश्चंस जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे वो आपको इस यूपी बीएड स्पेशलिस्ट ऐप जो है, जो आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है पीजी पॉइंट, वहाँ पर आपको ई नोट्स और कोर्स के सेक्शन में सब मिल जाएगा, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और इसको मेरा इस सेशन को करवाने का उद्देश्य अगर कोई पूछे, अगर कोई मेरे से एम पूछे, तो वो एम ये है कि आप यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं बता रही हूं वो उठाइए, और उसके बाद में रात में पढ़ाई करिए, उन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए और सो जाइए, ठीक है। उद्देश्य मात्र यही है, इसीलिए मैं सेशन रात के लेकर के आती हूं। मैं चाहूं तो इसको सुबह 11 बजे भी ला सकती हूं, लेकिन नहीं, मैं चाहती हूं कि आप जब पढ़ें तो आपके दिमाग में वो क्वेश्चन क्लिक करे बार बार, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से। आपका पहले टाइम पे ऐसा होता था कि एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का आता था, जो आपके वेरी शॉर्ट होते थे, या कह सकते हैं शॉर्ट होते थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 होता था है आपका, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, सामाजिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं, अस्पृश्यता निवारण हेतु प्रयास, उसके बाद में संविधान की धारा 45 किससे संबंधित है। अच्छा ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, अभी नहीं बताना है, जब ये वीडियो एंड हो जाए तो उसके कमेंट में आपको ये क्वेश्चन बताना है। क्या बताना है कि संविधान की धारा 45 किससे संबंधित है, तो लिखना क्या, धारा 45 और वो जो संबंधित है एरो लगा करके वो लिख दीजिएगा आप, ठीक है। अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था क्या होती है, निरक्षरता उन्मूलन के उपाय क्या है। एक बार फटाफट से आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए क्वेश्चंस का, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, ठीक है, ले लिया। उसके बाद में आप जरा इन दोनों क्वेश्चंस का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके शिक्षा से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद है एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सतत शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट करना है और वंचित वर्गों की शिक्षा के पिछड़ेपन के कारण बताने, एक बार इन दोनों का भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार फटाफट से लाइक कर दीजिए जल्दी से। अब आपका आता है सेक्शन भी, जिसमें आपका एक क्वेश्चन 12 नंबर का होता है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, भारतीय समाज में भिन्नता में एकता स्थापित करने के उपाय में शिक्षा की क्या भूमिका है। अब भारतीय समाज ये वाला जो टॉपिक है आपको ये पूरा कवर अप करना है, इससे क्या क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं ये आपको तब समझ में आएगा जब आप ये थ्योरेटिकल पढ़ रहे होंगे। शिक्षा आयोग 1964-66 द्वारा शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए दिए गए सुझाव क्या क्या हैं, इनको भी आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4th है आपका, पत्राचार शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके दोष गुण इनकी विवेचना करनी है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट आपका राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के विषय में एक संक्षिप्त लेख लिखना है। एक बार फटाफट से ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 2nd और 3rd का, ठीक है, ले लिया, वेरी गुड। उसके बाद में 4th और 5th इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। अब ज़रा देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिर 6 की तरफ चलते हैं, जो भी आपका सेक्शन सी हो जाता है। सेक्शन सी में भी आपको पहले के टाइम पे 2 क्वेश्चंस करने होते थे। देखिए क्या कह रहे हैं कि सार्वभौम एवं समावेशी शिक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक एवं प्रभावपूर्ण बनाने में शिक्षक की भूमिका की विवेचना करनी है, ठीक है। तो आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से कवर अप करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7th देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV, इसको तो पूरा टॉपिक ही पढ़ना है आपको, इसकी विशेषताएं यहाँ पे पूछा गया है, लेकिन ये टॉपिक आप पूरा कवर अप करिएगा, कब आया, किन के लिए आया, है ना, और कब से लागू हुआ, सब कुछ, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, इसमें कौन कौन से पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ये भी आपको देखना है। व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, व्हाट कोर्स आर बीइंग कैरिड आउट इन, ठीक है। शिक्षा का लोकतंत्रीकरण क्या है, उसको एक्सप्लेन करना है आपको। और उसके बाद में देखिए, ये तो फाइनली कल हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे 2018 का क्वेश्चन पेपर। अब एक बार सर आप स्क्रीनशॉट ले लो इन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का, फटाफट से एक बार इस पेज के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपसे कुछ डिस्कस करेंगे हम एक इम्पॉर्टेंट बात, हाँ, एक बार ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। होप सो कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ज़रा मेरे को एक बात बताओ, जो
देखो शाम को 6:30 ना होकर के 6:45 पर आपकी एक क्लास होती है, जिसमें मैं अभी तक आपको समावेशी शिक्षा कंप्लीट करवा चुकी हूँ, वैल्यू एंड पीस एजुकेशन कंप्लीट करवा चुकी हूँ। शाम को 4:00 वाली क्लास में हम आपको मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य कंप्लीट करवा रहे हैं। तो अब आपके पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, एक बच रहा है शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, एक बच रहा है शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। तो अब इसके बाद में हम आपको 6:45 पर क्या पढ़ाना शुरू करें आप मेरे को ये बताइएगा। अगर आपको शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य पढ़ने का रिविजन करने का फिर से मन है तो मैं वो करवा दूंगी, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का रिविजन करने का मन है तो वो करवा दूंगी। ये समझ लो तीसरी बार रिविजन होगा, क्योंकि 2 बार रिविजन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, ठीक है। और उसके बाद में यदि आप चाहते हैं कि आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो, जैसे कि ये कस्तूरबा गांधी वाला हो गया है ना, या जस्ट लाइक सर्व शिक्षा अभियान हो गया है ना, या फिर जीन पियाजे की थ्योरी हो गई, संज्ञानात्मक विकास हो गया, अगर आपको थ्योरेटिकल भी पढ़ना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पर पढ़ा दूंगी, ठीक है। अब आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो ये कि प्ले स्टोर से ऐप जिन बच्चों ने नहीं इंस्टॉल किया एक बार ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपको सर्च करना होगा पीजी पॉइंट, या टेलीग्राम पे भी आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस ऐप को, हमारे इस चैनल को टेलीग्राम से। टेलीग्राम जिन जो बच्चे नए हैं वो टेलीग्राम ऐप और इंस्टाग्राम तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब फटाफट से एक बार ज़रा अपनों के लिए लिख दो और फिर करेंगे हम इस सेशन को एंड, है ना, क्योंकि ये सेशन होता है आपका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन भी नहीं कह सकते, सिर्फ हम आपको बताते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। जस्ट लाइक एक दिन पहले टीचर होमवर्क दे देता है, मैं आपको एक नाइट पहले आज रात को आपको क्या पढ़ना है ये हम आपको रात्रि 9 बजे बता रहे होते हैं, ठीक है। तो कल हम लोग क्या करेंगे, 2018 का क्वेश्चन पेपर करेंगे, आपको बता दें रोज़ आपकी क्लासेस की टाइमिंग 1 शाम 4 बजे है, एक आपकी 6:45 पे और एक आपकी ये रात्रि 9 बजे। बाकी के जो भी बीच बीच में कोई अपडेट्स होती है यूपी बीएड से जुड़ी हुई कुछ भी, तो वो हम आपको दे देते हैं, है ना, उसके लिंक टेलीग्राम पे, तो इसलिए टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े रहिएगा। बहुत जल्दी आपके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के वीडियो मैं लॉन्च करने वाली हूँ, जिसमें आपको मैं ये बताऊँगी कि अगर आपके इंटर में ये सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट है, तो अब आपको क्या करना चाहिए, पेडागॉजी में कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, और ये सब चीज़ें भी क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की नीड नहीं, ज़्यादा घबराने की नीड नहीं है, आप अपनी पढ़ाई लीजिए, आपकी टेंशन मेरी टेंशन है, ठीक है। सो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बड़ों से मेरे लिए आशीर्वाद लीजिएगा, छोटों को मेरा प्यार दीजिएगा। लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। सो मिलते हैं हम आपसे कल 4:00 PM, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि, जय श्री राम।